हम बात कर रहे हैं IRFC की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो गिरावट के साथ ही क्लोजिंग स्टॉक ने दिखाई है। देख सकते हो ऑलमोस्ट 174 के लेवल से एक जंप आया था 185-186 तक का। अगेन स्टॉक ने रिजेक्शन लेकर सेलिंग स्टॉक में देखने के लिए मिल रही है। जहाँ क्लोजिंग दिखाया 178-180 इसका मेजर सपोर्ट है और इम्पोर्टेंट लेवल है 180 का IRFC के लिए। क्यों इम्पोर्टेंट लेवल है दोस्तों, इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि 200 के लेवल को यानी अपने इस हाई के ब्रेकआउट के लिए 200 के लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए IRFC को 180 के ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा। हम देख सकते हैं जंप तो आ रहा है लेकिन सस्टेन नहीं हो रहा है। हालांकि अब जहां क्लोजिंग दिखा है इसका सपोर्ट एरिया ही है, तो यहां से अब खेल पलटने के चांस बन सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जो चार्ट पैटर्न था लो और लो चार्ट पैटर्न देखने के लिए मिला। अगेन जब जंप के साथ गिरावट आई तो इस लो को ब्रेक डाउन नहीं किया, ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास से सपोर्ट लेकर रिकवरी देखने के लिए मिली। तो अब थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, अगर गिरावट के साथ इस लो को ब्रेक डाउन कर गया तो फिर वैसे कंडीशन में 170 से लेकर 160 तक का फॉल स्टॉक दिखा सकता है। ब्रेक डाउन कर जाता है तो वैसी कंडीशन में, और अगर बाउंस बैक करके इस हाई को यानी 186 के लेवल को ब्रेकआउट कर गया तो फिर एक क्लियर कट हमारे लिए अप ट्रेंड का सिग्नल रहेगा। फिर ये सिग्नल रहेगा कि IRFC का खेल अब पलट चुका है। तो नीचे की ओर जैसे हमने कहा इस सपोर्ट को ब्रेकडाउन करता है तो फिर गिरावट, और बाउंस बैक करके इस हाई को ब्रेकआउट करता है तो क्लियर कट अप ट्रेंड का सिग्नल। फिर 186 के ब्रेकआउट के बाद अगला जो टारगेट देखने के लिए मिलेगा 190 और फिर 200 तक का जंप IRFC दिखा सकता है। वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए कोई बाय सेल या होल्ड की अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।